टाटा केमिकल सी स्टॉक रहेगा सुर्खियों में। कल निर्मा ने अपने सोडा एश के प्रोडक्ट्स के दाम घटाए। आज टाटा केमिकल्स ने तेज कटौती की है 2300 रुपये प्रति मेट्रिक टन के लिहाज से और लगभग 7% की कटौती 22 नवंबर के बाद की है, सबसे बड़ी कटौती। और साथ ही आज टाटा केमिकल एक्स डिविडेंड भी हो रहा है, 17.5 रुपये का डिविडेंड है। कैश में 1000 रुपये पर बंद हुआ था, फ्यूचर्स में 980 के आसपास, तो आज आपको नीचे नजर आए तो दो वजह से, एक एक्स डिविडेंड और दूसरा थोड़ा इसके दाम घटने की वजह से। अनुपम रसायन, यहाँ पर कंपनी ने जापान के स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के साथ करार किया है, बड़ा करार है, करीब 2200 करोड़ रुपए का करार है, अगले 18 महीने के लिए सप्लाई किया जाएगा, तो बड़ी खबर, फोकस में रखिए स्टॉक को। एक के बाद एक ऑर्डर जीतने का सिलसिला बरकरार है केईसी इंटरनेशनल की तरफ से, और अब ऑर्डर मिले इन्हें 1373 करोड़ के नए ऑर्डर। रेलवे, सिविल, टीएनडी, केबल्स, ये अलग अलग सेगमेंट और सेक्टर्स हैं जिनके लिए ऑर्डर मिले हैं केईसी को। एक के बाद एक अच्छी खबर आ रही है आपके लिए, जाइडस लाइफ साइंसेज में भी लगातार प्रोडक्ट अप्रूवल्स हुए हैं, और अब खबर आई है कि 5 से 13 जून के बीच USFDA ने इनकी अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की जांच करी थी और बिना किसी आपत्ति के इन्हें ऑल क्लियर मिल चुका है USFDA की तरफ से। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली सभी कंपनियों पर करिए फोकस, इलेक्ट्रा ग्रीन, JBM, ऑटो, टाटा मोटर्स, यहां पर 3500 इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर जारी करने जा रही है सरकार, और ये ऑर्डर्स जारी होंगे बड़े शहरों में जहां की आबादी 40 लाख से ज्यादा है, वहां पर करीबन 3500 इलेक्ट्रिक बसों के ऑर्डर इशू किए जाएंगे। वोडाफोन रखे इस पर नजर, 2-3 दिनों से थोड़ा पॉजिटिव एक्शन बन भी रहा है। खबर आ रही है कि करीब 14,000 करोड़ की इक्विटी डालने का प्रस्ताव आया है, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप की तरफ से भी एक अच्छा निवेश किया जा सकता है। फोकस में रहेगा वोडाफोन आइडिया आज। जी एंटरटेनमेंट, प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट LLP ने कल जी एंटरटेनमेंट के शेयर में 75 लाख शेयरों की खरीदारी की है, और कल ओपन मार्केट के जरिए करीबन 1% हिस्सेदारी इन्होंने बढ़ाई है 191.44 रुपए के दाम पर। नजारा टेक, यहाँ पर सोसाइटी जनरल की तरफ से खरीदारी हुई है, नजर रखिए सोसाइटी जनरल पिछले कुछ दिनों से कई सारे स्टॉक्स में खरीदारी कर रहा है। नजारा टेक में उन्होंने यहाँ पर कल 4 लाख शेयर्स बेचे हैं, खरीदे नहीं है, 4 लाख शेयर्स कल बेचकर आए हैं, करीब 0.6% इक्विटी, हालांकि स्टॉक पिछले कुछ दिनों से ऊपर जा रहा है, करीब 10.5% की तेजी 2 दिनों में इस काउंटर पर दिखी थी। इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो, यहाँ पर भी गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक रिपोर्ट आई और उन्होंने 2600 रुपए से टारगेट बढ़ाकर 2730 रुपए किया है, अच्छी खबर। और फाइनली मेटल स्टॉक्स पर रखिए नजर, माइनिंग और मेटल स्टॉक्स, क्योंकि कल US में मेटल इंडेक्स 4% ऊपर था, चाइना में हमने देखा है कि उन्होंने अपने शॉर्ट टर्म रेट्स घटाए हैं इकोनॉमी को सहारा देने के लिए, तो शायद थोड़ा एक्शन आज मेटल्स में आ सकता है। कल बेस मेटल्स में भी एक बड़ी रैली आती हुई दिखी थी। ये है आपके आज के टॉप 10 स्टॉक्स।